ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत। महाराज जी, अभी हमने चर्चा की, हमने अपने सनातन धर्म के बारे में चर्चा की, हमने स्वयंभू साधु जो महात्मा बन रहे हैं उनके बारे में चर्चा की, और जो ये नए नए मंदिर बनाए जा रहे हैं इसके बारे में हमने चर्चा की। हमारी चौथी जो चिंता है महाराज जी, वो है जो हमारे धर्म स्थल थे, जैसे हरिद्वार है, वाराणसी है, मथुरा वृंदावन है और अयोध्या है, जहाँ पर हमारे भगवानों ने जन्म लिया है। मैं आपको यह एक उदाहरण देना चाहता हूँ महाराज जी, ये एक दो प्रोग्राम में मैंने पहले भी उदाहरण दिए, जैसे ताजमहल है। ताजमहल विश्व का सातवां अजूबा कहा जाता है और इसको नेशनल मॉन्यूमेंट भी डिक्लेयर किया है। ताजमहल है, रेड फोर्ट है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने सैकड़ों की तादाद में सिक्योरिटी रखी है और इसको मेंटेन किया जाता है। एक मुग़ल शासक थे, उनको किसी के साथ प्रेम था और प्रेम के बंधन में वो उन्होंने उसकी कब्र बनाई और ताजमहल बनाया, और हम लोग जाकर वहाँ फूल माला चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगा लेते हैं और बाहर सिक्योरिटी भी रहती है और मेंटेन करते हैं, और सब कहते हैं कि यहाँ धूल अलाउड नहीं है, यहाँ साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरे साइड से अगर जब हम देखते हैं महाराज श्री, 5200 साल पहले भगवान ने खुद जन्म लिया मथुरा वृंदावन में। अच्छा, लाखों साल पहले भागीरथ जी के तपस्या से माँ गंगा भगवान शिव के जटाओं से निकल के आई, और वहीं पर भगवान श्री राम ने, जो कहते हैं 10 लाख साल पहले अयोध्या में जन्म लिया है, कोई 7000 साल पहले कह रहा है, कोई 10 लाख साल पहले कहता है, लेकिन वहाँ उन्होंने जन्म लिया। और इसी तरीके से हमारे बाकी वाराणसी है, भगवान शिव की नगरी है। महाराज जी, 1947 तक हमारे पास एक एक्सक्यूज़ था, एक बहाना था कि यार हमारे पास मुग़ल शासक हुआ करते थे, उन्होंने हमें लूटा। फिर कहा कि हमारे पास अंग्रेज़ आ गए, उन्होंने हमें ग़ुलाम बनाया और हम ये अपने धरोहर बचा नहीं पाए। महाराज जी, 1947 से लेके आज तक 65 साल तक हमारी अपनी सरकारें रही हैं महाराज जी, हम इन जगहों को बचा नहीं पाए। यहाँ पर बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन गई, यहाँ पर बड़े बड़े अभी गाड़ियाँ भी चलने लगी, बिल्डिंगें भी बन गई, और जो वो उसकी वास्तविकता थी, जिस जो पूर्वज जाते थे यार किसी संत महापुरुष का दर्शन हो जाए, शांति प्राप्त करने के लिए मैं हरिद्वार चले जाऊँ, ऋषिकेश जाऊँ, अब वो सब घूमने जाते हैं महाराज जी। हमने इसी कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम कर रहा था तो हम हर की पौड़ी एक दिन पहुँचे, पिछले 2 महीने की बात है। हर की पौड़ी से बस 100 मीटर दूरी पर मैंने देखा 4 लोग शराब पी रहे थे महाराज जी, मैं कैमरा के सामने खुद बोल रहा हूँ, शराब पी रहे थे। उन्होंने बीयर की बोतल में धागा बांध के गंगा में डाल दिया था, रात के 12 बजे का समय था। मैंने उसका फोटो भी खींचा, चित्र खींचा, जो उन्होंने शराब की बोतल, ये सिर्फ 100 मीटर दूरी है महाराज जी। और आप देखिए, ऋषिकेश में राफ्टिंग हो रही है, वो हो रहा है, और पर्यटन के ये जगह बनाए जा रहे हैं। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या करना चाहिए महाराज जी, क्या हम इन धरोहर को, इन जगहों को बचा नहीं पाए महाराज जी? देखिए, ताजमहल की बात आप करते हैं, ये हमारा देश का दुर्भाग्य है, उसे सातवां अजूबा माना गया। माननीय आजम खान साहब ने अभी एक वक्तव्य दिया था कि यह ताजमहल मुसलमानों को सुपुर्द कर देना चाहिए, मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, ये ताजमहल मुसलमानों को सुपुर्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम, ऐसा प्रेम तो केवल उन्हीं के यहाँ होता है। हमारे यहाँ तो प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम होता है, राधा कृष्ण का प्रेम देखिए आप, राधा कृष्ण की पत्नी थोड़ी थी वो, लेकिन उनका प्रेम देखिए, ये हमारे यहाँ प्रेम की परिभाषा हमारे यहाँ ये, आज भी उनकी पूजनीय है, जहाँ होता है राधा कृष्ण, रुक्मणी कृष्ण का मंदिर नहीं बनता है, हमारे यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर बनता है। तो ये प्रेम, ऐसा प्रेम तो उन्हीं के यहाँ उनका मुबारक हो, ये उनको दे देना चाहिए, मैं तो धन्यवाद देता हूँ, उनको दे देना चाहिए, ये प्रेम हमारे हिंदुओं में नहीं मानता है, समझा नहीं। और जो लोग ताजमहल देखने जाते हैं, मैं तो उनसे निवेदन करता हूँ, मत भटकिए, अरे वहाँ क्या मिलता है, अगर प्रेम देखना है तो राधा कृष्ण मंदिर जाइए, मथुरा वृंदावन, वहाँ प्रेम देखिए, जिस प्रेम में निस्वार्थ भाव, आत्मा का प्रेम, जहाँ वहाँ देखिए भाव का प्रेम, अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो जहाँ शरीर का प्रेम हो, वहाँ तो बिल्कुल पाप है, अब वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं तो ताजमहल का बड़ा कभी आज तक गया भी नहीं, न जाना चाहता हूँ। अब लोग भले हमारे ऊपर कटाक्ष जरूर करेंगे लोग, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, और जो जाते हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप वहाँ मत जाइए, और ताजमहल तो मुसलमानों को वास्तव में दे जाना चाहिए, ये उन्हीं का प्रेम, उनका मुबारक हो, हमको नहीं। अब रही बात, आपने एक बात कही कि हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, आपने कहा ऐसा वहाँ,
जो मथुरा वृंदावन की वास्तविक जो आस्पित स्थल हैं उनका विकास होना चाहिए। देखिए मैं आपसे कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन केदारनाथ जो घटना हुई वो केवल भगवान शिव ने चेताया कि आप लोग चेतिए, ये घटना बहुत थोड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ी नहीं हुई है उनके दृष्टि से। बिल्कुल महाराज, चेताया लोगों को नेपाल में भी हुआ। आप जो तीर्थ स्थल जो जिसके लिए है वही रहे। आप देखिए पर्यटन न बनाए आज से 20 साल पहले गांव में जो आदमी केदार चारों धाम की यात्रा करता था उसको ढोल बाजा के बजाने के बाद माला पहना के उसकी विदाई की जाती है कि वह व्यक्ति वापस आएगा कि नहीं आएगा, या कोई भरोसा नहीं होता था। इसलिए हमारे गांव में हमारे बचपन में खूब याद है कि लोग भेजते थे कि ये मर के आए जिंदा है भगवान जाने, लौट के आए तो आपका भाग्य, क्यों कि वह धर्म वह आस्था वह इसलिए जाते थे कि वो वास्तव में धर्म की पूजा के लिए जाते थे, भगवान केदारनाथ के समर्पित हो जाते थे। आज तो शादी हमारे यहाँ आज हो रही है, कल हनीमून वाले केदारनाथ जा रहे हैं, गंगोत्री जा रहे हैं, यमुनोत्री जा रहे हैं, तो वो स्थान तो बहुत पवित्र स्थान है ना, तो दंड देगा देगा आपको, इसको बंद करिए। अब पर्यटन स्थल मत बनाइए उसको, धार्मिक स्थल की घोषणा करिए, धार्मिक स्थल होना चाहिए। युवा जा रहा है मैं इसका विरोध नहीं करता, जाना चाहिए, हमारे युवाओं को खूब जाना चाहिए, लेकिन युवाओं से धार्मिक काम, लेकिन युवाओं से मेरा निवेदन है कि वहाँ धर्म के नगरी है, धर्म का काम के जाइए, श्रद्धा जाइए, भावना जाइए, आस्था जाइए, वहाँ किसी गलत उद्देश्य से मत जाइए। और जा रहे हैं तो गोवा जाइए, तो आप बने को धोखा दे रहे हैं, नहीं अगर वहाँ जा रहे हैं धोखा दे रहे हैं, उसके लिए स्थान बनाए गए हैं वहाँ जाइए, गोवा है, कश्मीर है, हिमाचल है, तमाम जगह है, वहाँ जाइए, दिल्ली जाइए, बम्बई जाइए, लेकिन ऐसे स्थलों मत जाइए। आपने कहा हरिद्वार में बियर की बोतल डाल दी गई, देखिए हरिद्वार में तो शराब की बिक्री पर रोक है और वहीं से 4 किलोमीटर ज्वालापुर है वहां पे शराब खुलेआम बिक रही है, वो मांस बिक रही है, तो आप उसको अगर बंद कर रहे हैं तो पूरा हरिद्वार जिले में सारा बंद कर दीजिए, बिल्कुल, तो इसका फर्क पड़ेगा। लेकिन आपने केवल हरिद्वार को प्रतिबंध कर दिया और उससे लगा हुआ शहर ज्वालापुर वहां पर प्रतिबंध नहीं किया, तो ये वहां से उठ के तस्करी यहां चली जा रही है, तो गाड़ी में ये चीजें। लेकिन एक चीज देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सच्चा सनातन धर्मी होगा वो कभी बियर की बोतल गंगा जी में नहीं डालेगा, जो सच्चा सनातन धर्मी होगा वो नहीं डालेगा। भगवान सब डरते हैं, गंगा में सब डरते हैं, ऐसा पाप कोई नहीं करता है। हो सकता है वो सनातन धर्म मानने वाला ना हो, कोई और व्यक्ति हो गंगा जी को मानता ना हो, और चलो भाई गंगा जी यही यही करते हैं, पर्यटन के हिसाब से आया हो, तो मेरा कहना है कि लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और इस पे प्रतिबंध भी होना चाहिए। अब प्रतिबंध लगाने का ये होना चाहिए कि कहाँ तक लगाएगी सरकार, तो हमारा कहना है कि हमारा भी चिंता है, जो वहाँ के ऋषि मुनि हैं उनकी भी चिंता है कि उसको दूर करने के लिए कम से कम हम आप चेत करके लोगों को इतना संस्कार दें, बताएं लोगों से कि धर्म नगरी है, धर्म को उद्देश्य आइए, कोई ऐसी मनोरंजन पार्टी बनाने को उद्देश्य मत आइए। आपने एक बात कही भाई कि जने धर्म स्थल जिस तरह विकास होना चाहिए, विकास नहीं हुआ है, विकास मतलब धार्मिक विकास होना चाहिए, हुआ कमर्शियल विकास, बिजनेस के हिसाब से नहीं होना चाहिए महाराज, देखिए धार्मिक विकास, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए हरिद्वार हरि का द्वार लोग कहते हैं, हर की कोड़ी है, वहाँ पे स्नान लोग करते हैं, और हरिद्वार में लगभग संत महात्माओं की भूमि भी है, काशी भी संत महात्माओं की भूमि है, प्रयाग भी है, अयोध्या भी है, सभी लोग वहाँ रहते हैं। आप देखिए हमारा मानना यह है जितने वहाँ संत महात्मा रहते हैं सबका दायित्व बनता है कि आप लोग एक अभियान छेड़िए और धार्मिक विकास बढ़ने का अभियान छेड़िए, और अभियान आप छेड़ करके लोगों को जागरूक करिए। युवा पीढ़ी हमारी भटक रही है, उसको हमारा आपका संभालना, हमारा संन्यास परंपरा, बैराग परंपरा, उदासी परंपरा में जो संत आते हैं वो समाज के लिए होते हैं, तो जो भी संत हैं उनसे हमारा निवेदन है कि उन पर एक अभियान चलाइए, एक जागरूक भावना रखिए कि ऐसा अपराध वहाँ न हो, और लोगों को चेताइए कि भाई आप यहाँ आए हैं तो इस उद्देश्य से आए हैं, और कोई दूसरा उद्देश्य आपका न हो। विकास की जहाँ तक बात है, सरकारें विकास करती हैं, सरकार ध्यान देती है, काशी पवित्र नगरी है, काशी तो शिव के त्रिशूल बसी ऐसा कहा जाता है, और बसी भी है, कोई दोहरा नहीं है। आप देखिए वहाँ हर हर महादेव आज भी है, कल भी रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आप देखिए मथुरा वृंदावन में रिक्शा वाला भी घंटी में जाता है, राधे 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 करता है, आप वहाँ देखिए ना,
वहाँ का भावना, वहाँ की आस्था देखिए कि एक रिक्शा वाला भी कहता है राधे 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 राधे, लोग जगह छोड़ देते हैं। तो ये भाव वहाँ है, काशी में भी है, प्रयाग में देखिए। अब प्रयाग लोग कहते हैं कि इतने इतने बड़े स्थान हुए, प्रयाग तीर्थों राजा कैसे माना गया? ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करना शुरू की तो लोगों ने कहा कि भाई कहाँ करेंगे इतना बड़ा यज्ञ, तो ब्रह्मा जी के विचार में प्रयाग करेंगे। पहले तो हमारे यहाँ एक यज्ञ जब पहले होते थे तो वहाँ बलि परंपरा पहले थी, आज भी है, लोग करते हैं, अब तो नींबू के कोहड़े कर देते हैं, लेकिन पहले परंपरा रही है। आज तो हम परंपराओं में उस पर नहीं जाएंगे, हम बलि परंपरा ख़त्म होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। वहाँ लोग कहते हैं कि प्रयाग नाम का एक राक्षस था वहाँ, अच्छा, बड़ी विशाल काया थी उसकी, वो ब्रह्मा जी के पास आया। अब ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि रचना में मेरा भी योगदान होना चाहिए। बोले कैसे? बोले अगर बलि की जरूरत पड़े तो हमारी बलि दे देना, या नहीं तुमका ठीक, कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं, हम तो इतना नहीं, लोग जो वहाँ के लोग बताते हैं कि उस प्रयाग की विशाल काया जब बलि दी गई, तो जब वहाँ निर्णय हुआ कि तीर्थों का राजा प्रयाग ही क्यों कहा जाएगा और तो बड़े तीर्थ बोले, तो वहाँ लोगों ने कहा नहीं, जहाँ का राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति ये भाव रखता हो और जहाँ संगम पे गंगा यमुना सरस्वती हो, जो तीनों नदियाँ बह रही हैं, वहाँ तो लोग जोड़ने का काम करता है प्रयाग, तो तोड़ने काम नहीं करेगा, इसलिए प्रयाग जो है तीर्थों का राजा प्रयाग माना गया और आज भी तीर्थ राजा प्रयाग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संगम भी है, संगम भी वहाँ भी है, गंगा यमुना जी वहाँ वास है, वहाँ पे है, और वहाँ अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ दोनों लगते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, आपने भी एक बात कही थी कि जो ऐसे महात्मा है उस पर रोक कैसे लगाई जाए, इस पे मैं महाराज इसके बाद आता हूँ, समाधान लूंगा। देखिए, मेरा तो कहना है कि जो भी धर्म के नगरियां हैं उनका दायित्व तो वहाँ के रहने वाले संत महात्माओं को बनता है, सबका है, उसका उद्धार हो और धार्मिक भावना से चले, वो कहीं पिकनिक भावना से न चले, धार्मिक भावना से जो व्यक्ति चाहिए, युवाओं को तो और आना चाहिए और आकर के अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, हरिद्वार मनसा देवी मंदिर दर्शन करना चाहिए, चंडी देवी करना चाहिए, माया देवी दर्शन करना चाहिए, तमाम वहाँ संतों की भूमि है, संत लोग रहते हैं, उनका दर्शन करना चाहिए और उनका फायदा लेना चाहिए, युवाओं कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं, इस कार्यक्रम में अभी तक हमने महाराज जी के साथ में चार बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन किया। पहला हमारा था सनातन धर्म का ह्रास, दूसरा हमारा पॉइंट था स्वयंभू संत महात्मा, तीसरा पॉइंट था जो ये नए नए मंदिर बनाए जा रहे हैं, और चौथा और आखिरी पॉइंट ये था कि जो हमारी धर्म नगरियां हैं, जो परमात्मा से की बसाई हुई नगरियां हैं, उनका जो आध्यात्मिक विकास न हो पाना और वहां पर कमर्शलाइजेशन का आगे बढ़ना, इन चारों हमने पॉइंट्स पर महाराज जी के साथ चर्चा की। महाराज जी ने अपने विचार रखे और अब हमें इसके बाद में महाराज जी से ये जानना है कि अब हमें क्या करना है। मैंने ये प्रोग्राम 30-35 संत महापुरुषों के साथ कर चुका हूँ और हर जगह हमने ये पॉइंट्स उठाए, हरिद्वार में भी उठाए, ऋषिकेश में भी किए, अभी वाराणसी में भी किया और मथुरा वृंदावन में भी किया और आज हम त्र्यंबकेश्वर में भी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। महाराज जी के साथ ये कार्यक्रम एक अद्भुत प्रोग्राम है, एक ऐसा अलग सा कार्यक्रम है, इसलिए अलग सा है क्योंकि महाराज जी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का मतलब ये है कि हमारे 13 अखाड़ों के 2-2 सदस्य इनके साथ में रहेंगे और महाराज श्री पूरे 13 अखाड़ों की एक व्यवस्था, एक मैनेजमेंट चलाने के लिए इनके नेतृत्व में ये बनाया गया है। वही हमारे जो यहाँ पर हमारे हिंदू लोग रहते हैं भारत में, उनके लिए मार्गदर्शन भी यहीं से निकलेगा। शंकराचार्य 4 हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अखाड़ा परिषद जो बनाया गया है, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही ये आगे बढ़ेगा। हमें अब क्या करना चाहिए इन चीज़ों को बचाने के लिए, ये तो हो रहा है, अब इसको रोका कैसे जाए। हमें एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद हम महाराष्ट्र से इसके बारे में और जानेंगे।